दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि टेलीविज़न हो या फिर बॉलीवुड, ऐसी कई एक्टर्स हैं जिन्होंने इन दोनों ही इंडस्ट्री में नाम कमाया है और अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा भी मनवाया है। ऐसे में आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं एक और ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने टीवी सीरियल से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी अपनी धाक जमा ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुनिका सदानंद की, जिन्होंने टीवी सीरियल्स में अपनी अहम भूमिका निभाई तो वहीं बड़े पर्दे पर भी अपने नेगेटिव रोल्स के लिए फेमस हो गई। कुनिका सदानंद वो एक्ट्रेस हैं जो कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बनी रही। कुनिका सदानंद ने अपनी पर्सनल लाइफ में खुशी देखी तो वहीं गमों का भी सामना किया। आज के दौर में कुनिका सदानंद किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, ये आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के ज़रिए बताने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं एक और ऐसी मशहूर अदाकारा जो है कुनिका। आज के दौर में कुनिका सदानंद कितनी खूबसूरत दिखती हैं, ये आप हमारी इस रिपोर्ट के ज़रिए देख ही रहे होंगे। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुनिका सदानंद की उम्र है 55 साल, लेकिन आज भी उनके चेहरे की चमक वैसी ही बरकरार है। उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन आज भी ये एक्ट्रेस अपने बयानों के चलते सुर्खियां बटोरती ही नजर आती हैं। इन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने 1988 से लेकर साल 2018 तक कई हिट फिल्में दी और इन हिट फिल्मों के साथ साथ इन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम किया। साल 1990 से लेकर साल 2016 तक इन्होंने कई टीवी सीरियल्स में काम किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि टीपू सुल्तान जो कि आया था साल 1990 में और इसके बाद आया 1995 में स्वाभिमान, इस सीरियल के ज़रिए हर घर में इन्होंने अपनी पहचान बना ली और इसके बाद तमाम सीरियल्स आए जैसे कि इस पर्स, CID, संजोग से बनी संगिनी, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ससुराल सिमर का, दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स, अकबर बीरबल, ऐसे कई टीवी सीरियल्स आए। लेकिन अगर बात की जाए फिल्मों की तो फिल्में भी ऐसी कई सारी आई जिसमें इन्होंने नेगेटिव रोल भी निभाए तो वहीं पॉजिटिव रोल भी, जैसे कि मुजरिम, जैसी करनी वैसी भरनी, अमावस की रात, बंद दरवाज़ा, दूध का कर्ज। इसके अलावा ऐसी कई फिल्में हैं जिसमें इन्होंने काम किया। बात की जाए अगर बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान की तो सलमान खान के साथ भी इन्होंने काम किया। फिल्म हम साथ साथ हैं में भी ये नज़र आई जिसमें इन्होंने नेगेटिव रोल निभाया। इसके अलावा कई ऐसी सुपरहिट फिल्में हैं जैसे दाग द फायर, महाराजा, वजूद, एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव। जी हाँ, ये वो फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने काम किया। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि कुनिका सदानंद ने अब तक बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्मों में काम भी किया है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी ये सुर्खियों में बनी रहीं। दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने दूरदर्शन पर सुपरहिट सीरियल स्वाभिमान में माँ का किरदार निभाया, जहाँ से ये फेमस होती हुई चली गई। वहीं अगर बात की जाए कुनिका की तो इनकी किस्मत में ऐसी कई सारी फिल्में इनको मिली जहाँ से ये हिट होती चली गई। लेकिन अगर बात की जाए फिल्म हम साथ साथ हैं की, तो इसमें रीमा लागू की सहेली का किरदार इन्होंने निभाया था, तो वहीं ये फिल्म भी काफ़ी सुर्खियों में रही। लेकिन ऐसे में बात की जाए कुनिका सदानंद की, तो कुनिका सदानंद एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ बिजनेसमैन, सिंगल मदर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो कुनिका सदानंद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और जिसकी वजह से उन्हें बहुत कम समय में ही जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा और बहुत ही कम समय में इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। कुनिका के पिता एयरफोर्स में थे, लेकिन घर में सबसे बड़ी होने की वजह से घर की देखभाल करना, सभी का ध्यान रखना इनके ऊपर था। कुनिका बचपन में काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहा करती थी और अपनी माँ और नानी के साथ काम में मदद भी करती थी। लेकिन कुनिका सदानंद ने धीरे धीरे अपने आप को निखारा और जीवन का अहम फैसला लिया
उन्होंने छोटी सी उम्र में ही ये फैसला ले लिया। जी हाँ, कुनिका ने छोटी सी उम्र में ही शादी करने का फैसला ले लिया था, वो भी एक ऐसे इंसान से जो कि 13 साल उनसे बड़े थे। शादी से ठीक पहले दोनों ने एक दूसरे को 2 महीने तक डेट भी किया, लेकिन फिर भी ये शादी 2 या 2.5 साल ही चल पाई। और इस शादी के बाद उन्हें एक बेटा भी हुआ। शादी के 2 साल बाद दोनों का तलाक हो गया और बेटे की कस्टडी मिली बेटे के पिता को। जी हाँ, जिसके बाद 8 साल तक कुनिका ने कानूनी लड़ाई लड़ी और अपने बेटे की कस्टडी को नहीं पा सके। लेकिन आज के दौर में अगर बात की जाए कुनिका की, तो कुनिका ने इसके बाद फिर एक और शादी की, लेकिन ये शादी भी नहीं चल पाई। और इसके बाद कुनिका के अफेयर की चर्चाएं भी आईं। जी हाँ, सिंगर सोनू कुमार के साथ इनके अफेयर की चर्चाएं भी सामने आई। लेकिन आज के दौर में कुनिका बिल्कुल अकेली हैं और अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। जी हाँ, आज के दौर में कुनिका के बेटे उनके साथ रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये बेटा उनकी दूसरी शादी से हुआ था। जी हाँ, जब कुनिका की दूसरी शादी हो गई, दूसरी शादी से जुड़ी कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आ पाई। लेकिन अगर बात की जाए कुनिका की, तो आज अपनी ज़िंदगी को बेहद ही अच्छे तरीके से जी रही हैं और एक सिंगल मदर के तौर पर अपने बेटे की परवरिश भी कर रही हैं। आज के दौर में कुनिका एक सक्सेस महिला बन चुकी हैं और अपने करियर में ढेर सारी सफलता उन्होंने हासिल भी कर ली है। सो फ्रेंड्स, देखा जाए तो कुनिका आज के दौर में लोगों के लिए, महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे ढंग से जीती हुई नज़र आ रही हैं। एक सोशल वर्कर, एक एक्ट्रेस और एक माँ के तौर पर कुनिका अपने बेटे का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखती हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी दूसरे सेलिब्रिटी के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।